So hey, what's up guys? Welcome back to my video. So guys, in this video we will start maths calculations. तो आज हम लोग मैथ्स कैलकुलेशंस करेंगे. तो इसमें सबसे पहले ऐड द फुल पिंक और ये मल्टीप्लाई का कट वाला और ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो ले तो चौपाइन का कैप निकलते निकल गया. ओके सो लेट्स ऐड. सो दो में से दो क्या चार, ये आप देख सकते हैं. सिक्स में से वन किया सेवन एंड थ्री में से थ्री किया सिक्स एंड वन में से वन किया टू. सो द आंसर इज आंसर टू सिक्स फोर सेवन. सो द आंसर इज टू सिक्स फोर सेवन. और अब आपको इसमें डाउट हो रहा होगा कि इसको कैसे करना है, ये आपको बताया जाएगा. तो अभी इसको करना कैसे है, तब देखिए ये ऐसे है. तब आपको क्या करना है, अगर ऐसा सवाल मिले तब आपको सिक्स को ऐसे कट कर देना है. फिर सिक्सटी अगर दिया जाए तब उसको भी कट करके यहाँ पे ऊपर क्रॉस. तो कितने टाइम्स में कटेगा, मतलब सिक्स के टेबल में सिक्सटी कितने टाइम पे आता है, टेन टाइम्स. तो यहाँ पे आपको क्रॉस बना के लिख देना है आगे टेन. और अब ये नहीं है कि टेन को फिर सिक्सटी से करो तब सेवेंटी आंसर आ जाए, नहीं ऐसे नहीं करना है. एंड में क्या करना है, ये जो वन नहीं है ना और ये टेन है, तो वन को टेन से मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस. वन इंटू टेन इज इक्वल टू टेन. सो द आंसर इज, अभी आप ये सोचे होंगे कि ये टेन ही है. हाँ सही है, ये टेन ही है. तो ऐसे हम लोगों को अगर ऐसे मिले आप लोगों को तब आप लोगों को ऐसे करना है ऐसे ही. और वन बाई टू और इंटू फोर, तब ये तो इजी है आपके लिए क्योंकि टू को आपको कट कर देना है, फोर को भी कट कर देना है. तब टू के टेबल में फोर कितने टाइम्स हो जाता है, टू टाइम्स. तब ऊपर आपको क्रॉस बना के लिख देना है टू. फिर उसके बाद वन को आपको टू से मल्टीप्लाई करना है, तो वन इंटू टू इज इक्वल टू टू. सो द आंसर इज टू. सो इसको ही ऐसे करना है. और इलेवन की जो को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, तब देखो आपको फॉर्मूला के साथ लिखना होगा वन के जी इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम. ओके इलेवन के जी इज इक्वल टू इलेवन इंटू वन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड ग्राम. सो द आंसर इज इलेवन थाउजेंड ग्राम. ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है गाइज. आप लोग मुझसे सीख सकते हो, मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो कि और भी मैथ्स के कैलकुलेशंस, तब मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा. और 29 के जी है, तब 1 के जी इज इक्वल टू 1000. ये देखो गाइस, मेरा पैरट ओल है. पैरट की भी गाइस वीडियो अभी नहीं आ रही, आप लोग बोल रहे होंगे. अब पैरट की वीडियो बहुत कम आ रही है, अब मैं पैरट की वीडियो कल डालूंगा. 29 के जी इज इक्वल टू 29 इंटू 1000 29,000 ग्राम. सो द आंसर इज 29,000 ग्राम. सो अब हो गया गाइस हमारा. सो इन द पार्ट टू वी विल स्टार्ट सारे मैथ्स कैलकुलेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. मेरे मैथ्स के बुक में सारे मैथ्स के कैलकुलेशंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. साथ ही साथ उसके साथ वर्ड प्रॉब्लम है और मैं आपको सिखाऊंगा भी. और अगर आपको मैथ्स में डाउट क्लियर करवाने हैं तब आप मुझसे बोल सकते हो, मैं क्लियर करवा दूंगा. ओके सो बाय गाइस.